और गाइस इतना अजीब सिचुएशन है, शायद मुझे नहीं पता या सच में अजीब है। अरे यार ये अंडरग्राउंड दिया हुआ है यहाँ पे बाहर जाने का रास्ता, तो अगर मुझे ईस्ट से वेस्ट जाना है तो ब्रिज पर हूँगा या फिर अंडरग्राउंड जो रास्ता होगा उससे ईस्ट वेस्ट जाऊँगा। भाई मैं पहले 2 नंबर पे था, 2 नंबर से 1 नंबर पे गया, सोचा कि राइट मानेगा तो वहाँ पे दीवार, फिर 1 नंबर पे ऊपर आया तो देखो ब्रिज ही नहीं है, यहाँ देखो ब्रिज ही नहीं है, पीछे कोई भी ब्रिज नहीं है, ठीक है ब्रिज नहीं है। फिर मैं दूसरे से पूछा तो बोले भाई ये अंडरग्राउंड का दूसरा रास्ता ये बाहर निकालता। मैं बोला भाई शायद हो सकता है कि भाई ये वाला नहीं होगा, तो वो वाला होगा जैसे अपने बैंड्रा में होता है, अंडरग्राउंड बैंड्रा के अंदर भी है। फिर वो पकड़ के ऊपर आया तो आ गया फिर से 2 नंबर पे। अब मालूम पड़ा भाई पटरी क्रॉस करके जाना पड़ेगा, एक और रिस्क, ये ईस्ट साइड है, वेस्ट साइड में जाना है मुझे तो पटरी क्रॉस करके जाना पड़ेगा। क्या यार एक ब्रिज बना देता तो क्या होता, मतलब इतनी कमी है क्या है लोग को। साला एक तो अहमदाबाद उतरना था, उतर गया गांधीनगर वॉशरूम के चक्कर में, मालूम ही नहीं पड़ा वॉशरूम में था, मालूम नहीं आई 5 मिनट भी रुकी बोल रहे वो लोग, लेकिन रुकी कि नहीं रुकी तो समझ में नहीं आया मेरे को, और चले भी गई ट्रेन। अब जा रहा हूँ रिटर्न। अब यहाँ से ये ट्रेन जो थी शताब्दी एक्सप्रेस, ये अभी यहाँ से 2:05 पर निकलेगी, और अगर अभी मैं यहाँ से कैब कर लूँगा ना तो मैं 1/2 घंटे में अपनी मंजिल पर पहुँच जाऊँगा। तो यहाँ से मुझे पहला वहाँ जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से कैब करना पड़ेगा, ले देके ना मेरा टाइम और बर्बाद हो जाएगा, मेरे वीडियो और छूट जाएंगे, क्योंकि मेरा वीडियो ऑलरेडी छूटने के चांसेस लग रहे, क्योंकि सेम डे में मुझे रिटर्न भी होना है ना, इस वजह से अभी मुझे पटरी क्रॉस करना पड़ेगा। यार बहुत डेंजर है यार, मुझे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो अगर मुझे वो रोड पे जाना है तो मुझे पहला पटरी क्रॉस करना पड़ेगा, कितना डेंजर है माय गॉड। मुझे लगा कि वो देखिए वो सीढ़ी होगा ऊपर जाने का, वो जो दिख रहा है, हालांकि वो बंद करके रखा, वो था भी शायद से मेरे हिसाब से। अब जो मेरी कैब आ रही है, मेरी कैब वो साइड आ रही है भाई, पर देख लूँ अच्छे से, डर लगता है भाई पटरी क्रॉस करने, इतने एक्सीडेंट देख चुका हूँ ना ट्रेन का ट्रैवल कर करके, तो डर लगता है। अब वो डब्बे को कैसा क्रॉस करूँ वो भी अलग मसला है, वो डब्बा कैसा क्रॉस करूँ। ये देखो ट्रेन, यहाँ से मैं पटरी क्रॉस करके जा रहा हूँ और आएगी मेरी कैब, कैब वो साइड। अब इसके बीच में से एडवेंचर करके जाना पड़ रहा है आज का सफ़र ना, और एक बैंगलोर का सफ़र मुझे याद रहेगा। बैंगलोर में मेरी वो थी क्या नाम है, ट्रेन 8 बजे की, मैं 10 बजे की पकड़ के चला था, 20 बजे लिखा था 20, और मैं 20 को 22 समझ रहा था, मतलब 8 को 10 समझ के चल रहा था, तो मेरी ट्रेन छूट गई थी और आज ऐसा ये हो गया। एक और प्रॉब्लम भाई, ये होटल है, स्टेशन के ऊपर होटल बना हुआ है और ड्राइवर ऊपर पहुंच गया है। अरे यार सोने पे सुहागा हो रहा है ऐसा लग रहा है मेरे साथ में, अब ऊपर कैसा जाऊं, एक वो टेंशन है यार। शिट, अब वो ड्राइवर बोल रहा है कि भाई मैं ऊपर हूँ, तो बोले आप ऊपर आ जाओ भाई, लगे पड़ी है, खाली कुत्ते लोग के साथ दौड़ रहा हूँ मैं यहाँ से, सिर्फ दौड़ रहा हूँ, सच में खाली दौड़ रहा हूँ। अब मुझे ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि वो ड्राइवर को आने के लिए ना, ये पीछे ब्रिज दिख रही, पीछे ब्रिज ये वाली, ये पूरा ऐसा घूम के आना पड़ेगा तो आएगा बोलता, नहीं तो फिर आ नहीं पाएगा। अब मैं यहाँ पे एक लिफ्ट देख रहा हूँ, लिफ्ट से शायद ऊपर जाने का रास्ता कुछ मिल जाए। एक 2 3 4 5 6 7 माला पैदल तो मैं नहीं चढ़ पाऊंगा भाई, 7 माला हमसे ना हो पाएगा भैया। ये देखो पीछे ये ब्रिज है ना, ये ब्रिज कनेक्ट है सीधा होटल के लिए, मतलब इतना खर्चा किया लोगों ने होटल के लिए यहाँ पे, शायद से यहाँ से जाने को मिल जाए। हाँ यहाँ पे है, रुक जाओ, हाँ इधर है, भाई जल्दी चलो ग्राउंड फ्लोर, ऑलरेडी लेट हो गया हूँ मैं, बहुत लेट हो गया हूँ, मेरा वीडियो ना छूट जाए, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, थक गया हूँ यार, एक तो रात भर सोया नहीं, एडिटिंग, ट्रेन में भी सोने नहीं मिला, और एकदम अचानक में ये सब हो रहा है साथ में। चलो कुछ ना कुछ अल्लाह करते तो अच्छे के लिए होता है, गलत नहीं होता है।
आप देखते कहाँ पहुंचे। ओके ऊपर पहुंच गया। देखो ये स्पेशली रोड बना हुआ है सिर्फ ये होटल के लिए। और यहाँ पे देखिए स्पोर्ट्स कार BMW नया मॉडल लग रहा है, डबल सीटर की गाड़ी है। तो अभी ये होटल है बैक साइड में और गाड़ी शायद अपनी यहाँ खड़ी है, ये गाड़ी अपनी खड़ी हुई है। तो ये होटल है जिसकी वजह से मुझे पूरा घूमना पड़ा। एक्सक्यूज मी, ये कौन सा होटल है, होटल का नाम क्या है ये? लीला। अच्छा लीला, फाइव स्टार होटल है ये। ओके, इस वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो गया। सो गाइस अभी गाड़ी यहाँ खड़ी है, फटाफट चलते, बहुत लेट हो गया ऑलरेडी। तो ये होटल लीला है जिसके लिए स्पेशली अलग सा रोड भी बनाया गया है और भाई ने काफ़ी वेट किया है मेरा यहाँ पे। सॉरी भैया, एक्चुअली मैं यहाँ का नहीं हूँ और मैं था स्टेशन पे, नीचे स्टेशन दिया हुआ है। नीचे दिया। और नीचे से यहाँ पे आने के लिए, मतलब अभी हम समझो मुंबई के हिसाब से वेस्ट में खड़े हैं, वेस्ट में आने के लिए लोग ने रास्ता नहीं दिया क्योंकि ये होटल की वजह से, सोचिए। और ये रोड भी बनाया गया है स्पेशली सिर्फ होटल के लिए, होटल के लिए, फाइव स्टार होटल के लिए इतना बड़ा रोड बनाया है। और स्टेशन से उतर के अगर आपको वेस्ट में आना है तो आपको पटरी क्रॉस करना पड़ेगा। मैं आगे गया, पूरा ये पटरी क्रॉस करके आया, फिर वो जंगल में से बाहर आया, फिर ये ऊपर चढ़ के आया हूँ। मेरे को वहां से गया तो मेरे को बोले ऊपर चले जाओ, आपका लोकेशन ऊपर का है। हाँ मैंने स्टेशन से बुक किया ना। अब स्टेशन के ऊपर कौन होटल बना था, पहली बार मैंने देखा कि स्टेशन के ऊपर फाइव स्टार होटल है, फाइव स्टार होटल है। और लोकल लोगों के लिए पटरी क्रॉस करने का है कि भाई पटरी क्रॉस करके आप, क्या जगह है यार, जबरदस्त, अजीब लोग यहाँ। ये गांधी मंदिर है पीछे। हाँ गांधीनगर स्टेशन, गांधीनगर स्टेशन और गांधी मंदिर, महात्मा गांधी मंदिर। अच्छा अच्छा, वो अपना, वो देखो कितना जबरदस्त वहाँ पे एंट्रेंस बना है होटल के लिए, रोड कितना जबरदस्त रोड है। वो ये रेलवे स्टेशन के आगे वो देख रहे हो ना। हाँ हाँ हाँ, पवन चक्की, पवन चक्की वाला बराबर, पवन चक्की नहीं है। अच्छा, तो गांधी जी का ऐसा बनाया है, जो गांधी जी चरखा घुमा रहे थे ना, सबसे डिजाइन बनाया है। अच्छा, और आपने यहाँ से सामने से कह रहे बराबर ये रोड जो दिया हुआ है, और पीछे वो जो पॉइंट दिख रहा होगा नोकिला, नोकिला नोकिला, वो उनका मीठा जो नमक होता है ना, नमक का ढेर बना हुआ, ढेर बना हुआ था बराबर। तो ये फाइव स्टार होटल के लिए इतना जबरदस्त पूरा रोड बना के दिया लोगों ने। चलो कोई बात नहीं, नया कुछ सीखने मिला आज।